तो आपने वो थ्री इडियट्स का फेमस क्वेश्चन तो सुना ही होगा कि नासा ने स्पेस पेन की जगह एक पेंसिल का इस्तेमाल स्पेस में लिखने के लिए क्यों नहीं किया, जबकि स्पेस पेन को बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वुड पेंसिल्स का इस्तेमाल स्पेस राइटिंग मटेरियल की तरह किया नहीं गया है। शुरू शुरू में नासा और सोवियत यूनियन दोनों की तरफ से वुड पेंसिल्स का इस्तेमाल स्पेस राइटिंग मटेरियल की तरह किया गया है। पहले हम थोड़ा पेंसिल्स को साइड में रखते हैं और नॉर्मल पेंस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नॉर्मल जो कि हमारे बॉल पॉइंट पेंस होते हैं वो ग्रेविटी की मदद से वर्क करते हैं और स्पेस में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ग्रेविटी होती है, यानी कि हमारे जो कि नॉर्मल बॉल पॉइंट पेंस है वो स्पेस में काम नहीं करेंगे। और जो कि फाउंटेन पेंस या फिर जेल पेंस होते हैं उन्हें अगर हम लो प्रेशर वाले रीजन में लेके जाएं तो वो लीक हो जाते हैं, यानी कि इनका भी इस्तेमाल हम स्पेस में राइटिंग के लिए नहीं कर सकते। तो अब हम आ जाते हैं पेंसिल्स पर। वुड पेंसिल्स की सबसे बढ़िया बात है कि इनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, और जहाँ की पेन की इंक को सूखने में कुछ टाइम लगता है, पेंसिल्स के अंदर एक सॉलिड इंक होती है जिसे हम लीड कहते हैं। तो क्या पेंसिल एक परफेक्ट स्पेस राइटिंग मटेरियल है? नहीं। अपोलो 11 के फायर डिजास्टर से पहले सीएम क्रू के कैबिन के अंदर कुछ हजारडस मटेरियल पाए गए, जिनमें पेपर, वेलक्रो और कुछ लो टेम्परेचर प्लास्टिक भी थे। इन डिफेक्टिव्स को हटाने में नजरअंदाजी बरती गई, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से अपोलो 11 के कैबिन में आग लग गई और उसके अंदर के तीनों क्रू मेंबर्स की वहां पर ही मौत हो गई। तो अब हम फिर से वुड पेंसिल्स पर आ जाते हैं। जब हम वुड पेंसिल्स को शार्प करते हैं तब उसके अंदर से वुड चिप्स निकलती है, जो कि अगर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आए तो आग पकड़ सकती है और कई कई बार आंखों में भी जा सकती है, जिसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है। पेंसिल की लीड के अंदर ग्राफाइट मौजूद होता है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो ये ग्राफाइट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कई कई बार हम पेंसिल का निब तोड़ देते हैं। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से यह ग्रेफाइट एयर फिल्ट्रेशन के समय कहीं भी जा सकता है, जो कि कैबिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उनके कांटेक्ट में आकर शॉर्ट सर्किट भी करा सकता है। इन वुडन पेंसिल्स के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए नासा ने 1965 में 34 स्पेशल पेंसिल्स बनाई, लेकिन वो भी फेल हो गई। इन 34 स्पेशल पेंसिल्स की वैल्यू लगभग $4,382 होगी। अगर हम उन्हें आज के दौर में कन्वर्ट करें तो लगभग $31,949 इतनी होगी। तो इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में लिखने के लिए स्पेस पेन का यूज करते हैं। कई कई बार मार्कर्स का भी इस्तेमाल स्पेस में लिखने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वुड पेंसिल्स के सफर में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए परम पूज्य न्यूटन बाबा की जय।